जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत सारा फन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है ना, आप लास्ट तक वीडियो तो जरूर देखेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा मैं कितना सच बोल रही थी और कितना झूठ। एक्चुअली आज हम जा रहे लार्जेस्ट थीम पार्क इन द वर्ल्ड, जो कि है अबू धाबी में, जिसका नाम है वार्नर ब्रोस। जिसको पता है वार्नर ब्रोस क्या है, उनको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कितना सारा मस्ती हुआ होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, वार्नर ब्रोस एक थीम पार्क है जिसपे बहुत सारे राइड्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जोकर हाउस है, एवरीथिंग, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसका टिकट आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन वहाँ पे जाके टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हैं। वार्नर ब्रोस अबू धाबी में यास आइलैंड में है। इसके साथ साथ फरारी वर्ल्ड भी वहाँ पे है, और मैं शायद 3 साल पहले फरारी वर्ल्ड एक बार गई थी। कोरोना की वजह से अभी तो कहीं पे नहीं जाना हो रहा है, तो बहुत दिन बाद मौका मिला है कहीं जाने के लिए, तो 3-4 फैमिली मिलके जा रहे हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो वहाँ पे चल के मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कितना सारा एंटरटेनिंग होने वाला है ब्लॉग। रमजान महीने में यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसमें से एक रूल है आप आउटसाइड में कहीं पे जाके बैठ के खाना नहीं खा सकते, जैसे कि पहले करते थे। रोड साइड हो, पार्क हो, दिन में आप कहीं पे जाके भी खाना बना के लेके जाके खा सकते थे, पर इस महीना ये सब अलाउ नहीं है हमारे लिए। हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये सब अलाउ नहीं है, पर प्रेग्नेंट लेडी, जो ओल्ड एज है, थोड़ा बुजुर्ग लोग, उनके लिए और बच्चों के लिए ये फ्री है, वो खा सकते हैं, पर हमारे लिए ये अलाउ नहीं है। तो आपको घर पे या गाड़ी के अंदर, या अगर रेस्टोरेंट कहीं खुला हो इनसाइड बैठ के रेस्टोरेंट के अंदर, आप खा सकते हैं। ये सब रूल है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो बहुत अच्छा वाला फाइन आता है। तो बातचीत तो बहुत ज़्यादा हो गई, अभी चलो रेडी होना है, रेडी होने के बाद जाना है, फिर आपको दिखाती हूँ कितना एंजॉय। रेडी होके निकल भी गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा, और अभी 5 मिनट्स में पहुँच भी जाएंगे। आपको लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का कवर टाइप का दिखा देता है, वो है फरारी वर्ल्ड, और इसके थोड़ी पास ही वार्नर ब्रोस है, जो कि एक ही एरिया में है पर थोड़ा डिस्टेंस में। गेट के सामने तो पहुंच गए हैं, अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ पे जो चेक इन का थोड़ा बहुत प्रोसेस है उसको करते हैं क्लियर। फास्ट जो यहाँ पे चेक करते हैं वो है अल हुसैन ऐप। यहाँ पे अल हुसैन ऐप का ग्रीन स्टेटस होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ है खाने का, खाना तो बिल्कुल मत कैरी कीजिए क्योंकि यहाँ पर अलाउ ही नहीं है। अगर आपके साथ बेबी है तो आप खाना कैरी कर सकते हैं बेबी के लिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं। और थर्ड चीज़ है, आप अगर टिकट परचेस नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप टिकट परचेस कर सकते हैं, उसके बाद आपको मेन गेट में एंट्री मिल जाएगी। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ग्रीन स्टेटस कैसे होता है ये मैं पहले वीडियो में एक बार बताई थी। यहाँ पे 14 डेज में एक बार PCR टेस्ट करवाना कंपल्सरी है अभी तक, तो इसीलिए हम एवरी 14 डेज में PCR टेस्ट करवाते हैं, और ये करने के बाद ही हमारा अल हुसैन ऐप में ग्रीन स्टेटस होता है। नहीं तो अगर 14 डेज के बाद आप PCR टेस्ट नहीं करवाए तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर हो जाता है, और ग्रे कलर लेके आप कहीं मॉल कहीं जगह में, आप पूरे अबू धाबी में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। अगर आप अबू धाबी से हैं
तो आपको पता ही होगा, अगर आप दुबई अलग एमिरेट्स से आ रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आने से पहले जितना एक्साइटमेंट थी, इसके अंदर आने के बाद वो तो डबल ही हो गया, क्योंकि ये चारों तरफ का नज़ारा और ये पूरा जो थीम इतना डेकोरेट हुआ था, इसको देख के तो एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन सब दुगना हो गया है। मतलब कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हम, ये होगा वो होगा, क्या क्या हुआ हमारे साथ ये तो धीरे धीरे आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये एक इंडोर थीम पार्क है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 राइड्स थे, जिससे कुछ राइड्स कुछ इशू के वजह से बंद थे और बाकी का राइड्स सब कुछ हमने मैक्सिमम ट्राई किए हैं कवर करने के लिए। और ये था हमारा फर्स्ट राइड जो कि बहुत ही अच्छा था। ये वाला राइड आपको कैसे लगा?
बहुत एंजॉय किया ना आपने? हमें तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय भी किए हैं। बोलते हैं ना, स्टार्टिंग अच्छे से हुआ है तो बाकी का सब कुछ अच्छा ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट राइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट राइड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये है सेकेंड राइड, फास्ट एंड फ्यूरियस राइड। नेम से तो बहुत डरावना लग रहा है ना, रियल में भी उतना ही डरावना है। आपको आसपास का साउंड से पता ही चल जाएगा, देखते रहिए। How excited you were? I am so excited. And you? Very much. Million times, trillion times, and infinity times. Okay. अगर आपको हेल्थ का कुछ इश्यू है तो ये राइड्स मत ट्राई कीजिए, बहुत ही खतरनाक है। हमें तो बहुत ही डर लगा, स्पेशली मुझे, पर करने के बाद तो बहुत मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं थर्ड राइड करने के लिए। वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।